बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मखंडी हलवा, जो बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बनता है। चलें अब बगैर देर के इसकी रेसिपी की जानी बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। अब हम इसके अंदर एक कप छनी हुई सूजी शामिल कर देंगे। सूजी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 कप मिल्क शामिल कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप मिल्क की जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको 2 घंटे के लिए स्टे दे देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे। दूसरी साइड पर हम अपना बर्तन लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 प्याली देसी घी शामिल कर देंगे। देसी घी शामिल करने के बाद हम इसको मेल्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सादा घी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर 1 कप बढ़कर चीनी शामिल कर देंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, 1/4 प्याली में इनके 1 प्याली से थोड़ी सी कम। अब हम इसको मेल्ट करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने इसको मेल्ट करते हुए ध्यान रखना है कि आप इसको कहीं फ्लेम पर छोड़कर और कोई काम ना करने लग जाएं, वरना आपकी चीनी नीचे लग जाएगी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी को ज़्यादा ब्राउन कलर देते देते चीनी को जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हलवे के अंदर टेस्ट जला जला आता है। अब हम इसके अंदर 3 अदद इलायची शामिल कर देंगे। देन हम इसको मिक्स करेंगे। जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए तो जो हमने सूजी दूध के अंदर भिगो कर रखी थी 2 घंटे के लिए शामिल कर देंगे। देन हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये स्टेप थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपकी जो चीनी की गुलटी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये गुलटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमारी चीनी अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिसको हम फॉलो कर लें तो हमारा मखंडी हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपको खाने के बाद मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ये मखंडी हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप ये हलवा ट्राई कर सकती हैं, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है, किसी भी जगह पर रुकना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, हमारा मखंडी हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लीजिए, आप देख सकती हैं ये कितना यम्मी, कितना डिलीशियस बना है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर कुछ टॉपिंग करेंगी। अब हम इसके ऊपर खजूर शामिल कर देंगे, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब हम इसके ऊपर बादाम शामिल कर देंगे, जिसको मैंने भिगोकर का छिलका निकाल लिया था, और मैंने इसके अंदर किशमिश भी शामिल कर दी है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप इसके अंदर कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकती हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हमारे चैनल मूडी फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वीडियोस नोटिफिकेशन की सुनना सबसे पहले आपको मिले। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।